आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। इस वक्त कोरोना काल का वक्त है। एक वक्त था जब कोरोना अपने पीक पर थी, जिसके वजह से जो है बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालात ऐसे थे कि हॉस्पिटल में ना बेड मिल पा रही थी, ना ऑक्सीजन मिल पा रहे थे, और ऐसे में बहुत लोगों ने अपने को खो दिया है। इन सारे मामलों को देखते हुए आपको बता दें कि सरकार जो है, दिल्ली सरकार एक निर्णय लेने पर पहुंची है। उनका अब ये मानना है कि अब जो लोगों की मौत ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से हुए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस जो है सामने देखने के लिए मिले थे जहां पर ऑक्सीजन की कमी के वजह से, अस्पतालों में ऑक्सीजन अवेलेबल ना होने की वजह से लोगों की मौत हो गई, तो ऐसे में इन लोगों को मुआवजा देने को लेकर जो है अभी बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिन लोगों की ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से मौत हो जा रही है, उनको सरकार जो है मुआवजा देगी। इसको लेकर एक 4 मेंबर के जो कमेटी का गठन किया गया है, इसकी फाइल को जो है एक फाइल प्रिपेयर की गई है, और इस फाइल को अप्रूवल के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी गई है अप्रूवल के लिए। इसके साथ ही बता दें कि इसकी जो जानकारी है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो कोरोना की दूसरी लहर है, इस दौरान जो है काफ़ी लोगों की मौत की खबरें सामने आई, जिसमें जो है ज़्यादातर लोगों की जो मौत है वो ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से हुई है। ऐसी खबरें सामने आई थी कि अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से लोगों की मौत हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि सरकार ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है, और इसके बाद जो है अब 4 मेडिकल एक्सपर्ट लोगों के साथ एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि इस मामले की जांच करेगी, जिसमें ये जांच करेगी कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलने की वजह से किन किन लोगों की मौत हो चुकी है, और उसके बाद उन्हें जो है मुआवजा देने का फैसला लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है फाइल जो है भेजी गई है उपराज्यपाल को, जो कि अनिल बैजल है, उनको भेजी गई है ताकि वो पहले इसको अप्रूव कर दे। उसके बाद जैसे ही ये फाइल अप्रूव कर दी जाती है, उसके बाद ये जो कमेटी है एक्शन में आ जाएगी और अपना काम जो है शुरू करना स्टार्ट कर देगी। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का पूरा क्राइसिस रहा सेकेंड वेव में, और इसके दौरान जब इस तरह की खबरें आई कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों में मरीजों की डेथ हुई, तो उसको गवर्नमेंट ने भी सीरियसली लिया और ये निर्णय लिया गया था कि एक कमेटी बना के, 4 सदस्य कमेटी बना के इसकी पूरी जांच की जाएगी कि अगर कहीं से इस तरह का कोई सूचना, इस तरह का कोई क्लेम, इस तरह का कोई दावा आता है कि यहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज की डेथ हुई, तो उसकी पूरी जांच की जाए। और उस वो एक्सपर्ट कमेटी है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमेटी है, तो इसकी फाइल LG साहब के पास भेज दी है सरकार ने, इस कमेटी का गठन करके। और जैसे ही ये LG साहब के पास से आ जाएगी, वैसे ही ये कमेटी काम करना शुरू कर देगी। और ये कमेटी हफ्ते में 2 बार मिलके एक एक केस के बारे में निर्णय लेगी कि ये डेथ किस कारण से हुई, इसके बारे में अगर कोई ऐसा क्लेम है, और अगर किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई तो सरकार की ओर से भी ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए के कंपनसेशन का ऐलान, 5 लाख रुपए के परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता राशि का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो भी दिया जाएगा। तो हमने ये कमेटी बना दी है, इसकी फाइल LG साहब के पास चली गई है। जैसे ही LG साहब से अप्रूव होकर आएगी, जैसे ही LG साहब के पास से आएगी, वैसे ही इस पर ये कमेटी काम करना शुरू कर देगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा है कि ये जो कमेटी है ये हफ्ते में 2 बार पूरे मामले की जांच करेगी, और जांच के दौरान अगर उन्हें सच में मतलब लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मौत ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से हो गई है, तब उसके परिवार को, पीड़ित के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है दिल्ली सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम जो है उठाते हुए नजर आ रही है। ये बात तो सच है कि किसी के जाने का जो दुख होता है, जो गम होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके परिवार को मुआवजे से जो है थोड़ी बहुत राहत जो है, थोड़ी बहुत मदद जो है मिल पाएगी, क्योंकि हो सकता है वो अपने परिवार का पेट भरता हुआ हो, जो आदमी उस वक्त मतलब ऑक्सीजन की किल्लत से मरा हो, तो ऐसे में जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, या यूं कहें कि लोगों को, दिल्ली के लोगों को थोड़ी सी राहत देने के लिए सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। इसी के साथ इस तरीके के न्यूज़ अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।